नमस्कार, मैं हूं अमित और खबरें रोजाना में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर से। कांग्रेस और हार्दिक पटेल ने जैसे ही अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, वैसे ही प्रदेश में जो है बवाल मच गया। बीती रात जैसे ही लिस्ट जारी हुई, वैसे ही पास कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो सपोर्टर थे उनके बीच जमकर बवाल हुए। गुजरात में लंबे वक्त से समझौते की कोशिशों में जुटे कांग्रेस और हार्दिक पटेल के संगठन में रविवार देर रात फूट हो गई। शनिवार शाम कांग्रेस और हार्दिक के पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के सदस्यों ने समझौता होने का दावा किया था, पर रात करीब 11 बजे कांग्रेस के 77 उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी होते ही प्रदेश में कई जगह पास कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का विरोध शुरू कर दिया। सूरत के कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ हुई, वहीं बराछा, पूना और मजूरा में दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं में मारपीट भी हुई। कांग्रेस की लिस्ट में हार्दिक के दो साथियों ललित वसोया और अमित पटेल को टिकट मिला है। पास संयोजक दिनेश बामभनिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भरोसे में लिए बिना ही टिकट बांटे हैं। राज्य में कांग्रेस का विरोध किया जाएगा, अगर पास नेता चुनाव लड़ेंगे तो उनका भी विरोध करेंगे। सूरत समेत कई शहरों में कांग्रेस दफ्तरों पर तोड़फोड़ और प्रदर्शनों के बीच गुजरात के पार्टी प्रेसिडेंट भरत सोलंकी के घर के सामने भी काफी संख्या में पाटीदार नेता जमा हो गए। सोलंकी को सिक्योरिटी दी गई है। बामभनिया समेत कुछ पास कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि इस पूरे विवाद पर देर रात तक हार्दिक पटेल या कांग्रेस की तरफ से कोई सफाई नहीं आई थी। सूरत के अलावा पास के लोगों ने बराछा रोड पर कांग्रेस कैंडिडेट और मनापा में नेता प्रतिपक्ष प्रफुल्ल तोगड़िया के दफ्तर में तोड़फोड़ की। पूना और मजूरा में कांग्रेस और पास के कार्यकर्ताओं में आपस में खूब हाथापाई भी हुई। इसके बाद पाटीदारों का गुस्सा कई और इलाकों में भी देखने को मिला। गुजरात के CM विजय रूपाणी ने कहा, पास के नेता कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे, इनका चेहरा अब सामने आ ही गया। अभिषेक, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली। मानुषी छिल्लर के जीत के बाद शशि थरूर ने बीजेपी और मानुषी पर दोनों पे तंज कसा। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए बीजेपी के नोटबंदी जैसे फैसलों को गलत बताया। यहां तक कि उन्होंने मानुषी के नाम को लेकर मजाक भी बनाया। एक वक्त ऐसा आया जहां पर उन्हें माफी ही मांगनी पड़ गई। मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीतने पर एक तरफ जहां मानुषी छिल्लर को पूरा देश बधाई दे रहा है, वहीं कांग्रेस के सबसे काबिल नेताओं में शुमार शशि थरूर ने उनकी जीत पर अलग ही अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। थरूर ने मानुषी की जीत को भी नोटबंदी से जोड़ दिया है। कांग्रेस नेता ने इस संबंध में रविवार को एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि करेंसी का विमुद्रीकरण गलती थी। बीजेपी को यह एहसास होना चाहिए कि भारतीय कैश दुनिया पर राज करता है, यहाँ तक कि हमारी चिल्लर भी मिस वर्ल्ड बन गई। गौरतलब है कि भारत में खुले पैसों को बोलचाल की भाषा में चिल्लर कहा जाता है, यानी कांग्रेस सांसद ने मानुषी छिल्लर के सरनेम को करेंसी वाली चिल्लर से जोड़कर नोटबंदी के लिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की। हालांकि ये बात अलग है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मानुषी को खिताब जीतने पर ट्वीट कर बधाई दी है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन अनुपम खेर ने ट्वीट पर एतराज जताया। उन्होंने जवाब में कहा कि आपका स्तर इतना क्यों गिर गया। सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट का विरोध होने के बाद थरूर ने एक और ट्वीट कर माफी मांगी। उन्होंने दूसरा ट्वीट किया और लिखा कि आज हल्के फुल्के अंदाज में किए गए ट्वीट से जिन लोगों को ठेस पहुंची है उनसे मैं माफी मांगता हूं। मेरा मकसद निश्चित रूप से उस युवा लड़की को ठेस पहुंचाना नहीं था, जिनके जवाब की मैंने अलग से तारीफ की है। आपको बता दें कि मानुषी छिल्लर ने चीन में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में विश्व सुंदरी 2017 का खिताब अपने नाम कर लिया है। कौशल कुमार, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली। बिग बॉस के घर में दीपिका पहुंची गेस्ट बनकर। वहां घर वालों के साथ दीपिका ने खूब मस्ती मजाक किया और लोगों को एक मजेदार टास्क भी दिया, और साथ में ही सलमान और दीपिका के बीच में कुछ अटपटे सवाल जवाब भी हुए। टीवी का सबसे विवादित शो बिग बॉस 11 अपने पिछले सीजन की तरह इस बार भी चर्चाओं में बना हुआ है। रविवार को हुए वीकेंड का वॉर एपिसोड में घर वालों से मिलने पहुंची पद्मावती यानी दीपिका पादुकोण। क्या उन्होंने घर वालों को एक अनोखा टास्क दिया? इस टास्क में घर में मौजूद लड़कों को हीलियम के गुब्बारे को इनहेल करने के बाद या तो कोई गाना गाना था या फिर किसी फिल्म का डायलॉग बोलना था।
इस टास्क में घर वालों ने काफी मस्ती की। इसके बाद दीपिका बिग बॉस की सेट पर सलमान खान से मिली। यहां सलमान खान के साथ दीपिका ने कुछ बातें की और काफी मस्ती की। इस दौरान सलमान ने उन्हें तीन ऑप्शन देते हुए पूछा, वो किससे शादी करेंगी, किसे डेट करेंगी और किसे किल करेंगी। इस पर दीपिका ने कहा वो संजय लीला भंसाली से शादी करेंगी, रणवीर सिंह को डेट करेगी और शाहिद शादीशुदा है, इस वजह से उन्हें किल करेंगी। इसके बाद दोनों ने डांस भी किया। इसके अलावा हर रविवार को घर के दो सदस्यों को सुल्तानी अखाड़े में जाने का मौका मिलता है और इस बार शिल्पा शिंदे और हिना खान सुल्तानी अखाड़े में आपस में भिड़ी। यहाँ शिल्पा ने हिना को हराते हुए इस टास्क को जीता। वहीं शनिवार को सलमान खान के समझाने के बाद कल के एपिसोड में आकाश अपनी गलती मानते हुए नजर आए और उन्होंने शिल्पा से माफी मांगी। उन्होंने शिल्पा को सॉरी कहा। कल के एपिसोड का सबसे अहम हिस्सा यानी एलिमिनेशन में बिनाशा बेघर हो गई और हिना और सपना अपने फैंस और सपोर्टर्स की वजह से घर से बेघर होने से बच गई। अनुपम के साथ ज्योति, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली। कपिल शर्मा अपनी फिल्म फिरंगी की प्रमोशन के लिए पहुंचे सुपर डांसर चैप्टर 2 के सेट पर। वहां पर लोगों को अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से ऐसा ठहाका लगवाने पे मजबूर कर दिया, लोग ठहाके लगाने में जरा भी नहीं कतराए। वहीं पे शो के आखिरी में ऐसा कुछ नजर आया जहां पे कपिल शर्मा थोड़े भावुक नजर आए। हाल ही में कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा डांस शो सुपर डांसर चैप्टर 2 में अपनी दूसरी फिल्म फिरंगी का प्रमोशन करने पहुंचे। शो के दौरान कपिल का अंदाज मजेदार था, उनके ह्यूमर पर दर्शकों ने जमकर ठहाके लगाए। प्रोग्राम के अंत में शो की ओर से कपिल को समर्पित एक वीडियो भी दिखाया गया। इसमें कपिल की माँ, साथी कॉमेडियन कीकू शारदा और भारती ने कपिल के बारे में ऐसी जानकारियां दी जिस पर फिरंगी यानी कपिल भावुक नजर आए। कीकू ने कहा कि कपिल शर्मा लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। भारती का कहना था कि वो आज जो कुछ भी है उसकी वजह कपिल है, उन्होंने उनकी बहुत मदद की है। भारती ने एक ऐसा किस्सा सुनाते हुए कहा कि शुरुआती दौर में कमेडियंस की आर्थिक हालत बहुत खराब होती है, वो सब इस फेज से गुजरे हैं। शुरुआत में तो उनकी आर्थिक हालत बेहद खराब थी। भारती ने कहा कि उस वक्त मेरे पिता की हालत बहुत खराब थी, मुझे पैसों की जरूरत थी। वो दौर याद कर आज भी मैं सहम जाती हूँ। तब एक शो के लिए हमें पैसे मिले थे, कपिल भाई ने अपना मेहनताना भी मुझे दे दिया, मैं उनकी मदद को कभी नहीं भुला सकती। भारती ने कहा, कपिल भाई के साथ मैं हमेशा खड़ी हूँ, वो जब कहेंगे हम वहाँ जरूर होंगे। जिस वक्त भारती ये बातें कह रही थी, कपिल काफी भावुक हो गए। शो के दौरान जजेस ने भी कपिल को लेकर अपनी राय जाहिर की। अनुराग बसु ने भी एक दिलचस्प वाक्य सुनाया। उन्होंने कहा, मैं कैंसर को लेकर सोशल वर्क करता रहता हूँ। एक बार मैं अस्पताल में गया तो मैंने जो देखा वो मेरे लिए बिल्कुल अनोखा अनुभव था। उन्होंने कहा, मैंने देखा वहाँ एडमिट मरीज कपिल शर्मा का शो देख रहे थे और जमकर ठहाके लगा रहे थे। अनुराग के मुताबिक ऐसे लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं हमेशा कपिल के साथ हैं। जाहिर है जब लोगों का प्यार कपिल के लिए इस कदर है तो इसमें कोई शक नहीं कि पर्दे पर उनकी फिल्म हिट होनी तय है। अदिति के साथ कौशल कुमार, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली। खबरें रोजाना में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। नमस्कार।